अगर इतिहास पर निगाह डालें, तो चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा ने हजारों जिंदगियों और संपत्तियों को तबाह किया है। परंतु आधुनिक तकनीक और मानवीय ज्ञान के उपयोग से इन पर काबू करके इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इन चक्रवातों को समझना और इनसे जान और माल का बचाव करना भारत जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ के तटीय जिलों को इस तरह के मौसमी संकटों का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। पिछले 300 सालों में 5000 से भी ज्यादा जानों का नुकसान करने वाले चक्रवातों में 75% बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए हैं। अक्टूबर 1999 में 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले एक खतरनाक चक्रवात ने ओडिशा के तट को रौंद दिया, जिसके कारण पूरे राज्य में अप्रत्याशित तबाही हुई। 10,000 लोग मारे गए और 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात पर्यवेक्षण के लिए हमारे पास उपग्रहों से चक्रवातों के चित्र तो उपलब्ध थे, लेकिन हमारे पास और कोई पर्यवेक्षण नहीं था जिसे हम चक्रवात के भौतिक और गतिशील तथ्यों और समुद्र की स्थिति का अवलोकन कर सके। उस समय कंप्यूटिंग सिस्टम सीमित था, पूर्वानुमान के लिए न्यूमेरिकल गाइडेंस सीमित था। पूर्वानुमान की अवधि 24 घंटे तक सीमित थी और उसकी सटीकता भी अच्छी नहीं थी। इस आपदा ने देश को झकझोर कर रख दिया और सभी का ध्यान आईएमडी पर केंद्रित कर दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि चक्रवात भविष्यवाणी के लिए पुरानी पड़ चुकी तकनीक के इस्तेमाल ने मौसम विभाग की अवलोकन क्षमताओं को पीछे धकेल दिया था। 14 साल बाद इसी प्रकार की तीव्रता वाले चक्रवात फाइलिन ने 12 अक्टूबर 2013 को गोपालपुर के पास दोबारा ओडिशा तट को रौंद दिया, लेकिन इस बार दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। राज्य एजेंसियों को 5 दिन पहले ही सटीक जानकारी प्राप्त हो गई थी और समुचित कार्यवाही के कारण मरने वालों की संख्या मात्र 21 लोगों तक ही रह गई थी। अगर आपको जान और माल की रक्षा के लिए एक सक्षम प्रणाली की जरूरत है, तो आपको सिर्फ अपने आप के लिए तैयारी नहीं करनी है, बल्कि आपको एक सतर्क सक्षम सूचना प्रणाली की जरूरत है। अभी हमारा चक्रवात पूर्वानुमान सूचना तंत्र वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है और सटीक रूप से सूचना देने में सक्षम है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण फाइलिन के समय हम लोगों को ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से स्थानांतरित कर पाए। लोगों ने आईएमडी की सतर्क सूचना पर विश्वास किया, नतीजतन जान और माल का नुकसान बहुत कम रहा। कुछ विदेशी एजेंसियों ने फाइलिन के बारे में पूर्वानुमान किया था कि जब फाइलिन ओडिशा तट को पार करेगी तो हवा की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये सूचना आपदा प्रबंधकों और जनमानस में आतंक फैला रही थी, अतः आईएमडी के वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत दबाव था कि वो अपना पूर्वानुमान परिवर्तित करें या अपने पूर्वानुमान पर कायम रहें। विदेशी एजेंसियों की भविष्यवाणियां भिन्न थी, किंतु अत्यधिक दबाव के समय में भी आईएमडी विश्वास के साथ अपनी भविष्यवाणी पर कायम रहा।
मैं दो कंप्यूटर के जरिए IMD का पूर्वानुमान और US नेवी के पूर्वानुमान को लगातार मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन के समय IMD के पूर्वानुमान और चक्रवात के विध्वंसकारी प्रभाव को याद करते हुए मेरे मन में दुविधा थी कि IMD के पूर्वानुमान पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन जैसे जैसे फाइलिन तट के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे IMD के पूर्वानुमान पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा था और अंत में ये बिल्कुल सटीक रहा। मैं याद करता हूं तो US नेवी ने 280 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का पूर्वानुमान किया था, मगर IMD ने 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का अनुमान लगाया था। अंत में हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही। हम IMD के पूर्वानुमान पर ही निर्भर रहे। IMD ने न केवल हजारों जिंदगियों को बचाया, बल्कि पूर्व चेतावनी प्रणाली ने 500 करोड़ रुपयों की सरकारी बचत भी कराई। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एजेंसियों द्वारा पूर्वानुमानों का अनुसरण कर रहा था। पूरी दुनिया में काफी सारी एजेंसियां इस चक्रवात की निगरानी कर रही थी। सभी के मुकाबले में IMD ज्यादा सटीक रहा, जबकि 1999 के हादसे के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी आशंकाएं थी, लेकिन IMD की भविष्यवाणी सबसे सटीक रही। अगर हम मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए होते तो शायद मर गए होते। चक्रवात की पूर्व सूचना ने हम सबको बचा लिया। मैं अपनी दुकान छोड़कर एक स्कूल चला गया जहां सरकारी आश्रय स्थल था। वहां मुझे रहने और खाने को मिला। चक्रवात के बाद मैं जब वापस आया तो मेरी दुकान नष्ट हो चुकी थी, परंतु मैं पूर्णतः सुरक्षित था। This is very significant given the ferocity of the cyclone and the fear it had generated, especially among foreign meteorologists who were predicting absolutely the worst. The Indian Met Department's predictions for once were spot on. The Met Department was spot on in its predictions, far more accurate than Western observers who felt that India was downplaying the potential danger of the cyclone. रात आए तूफान को हिंदुस्तान ने वाकई हरा दिया, और वो इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान तैयारी करके बैठा था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया है, और आप तो जानते हैं 9 लाख लोग इवैक्यूएट थे 36 आवर्स में। ये बहुत भारी काम है। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया, और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा। एक तरफ भारतीय पत्रकारिता ने इस सटीक भविष्यवाणी के लिए मौसम विभाग की तारीफों के पुल बांध दिए, दूसरी ओर जबकि मीडिया घर बैठे जिंदगियां बचाने के लिए IMD की तारीफों के पुल बांध रहा था, वहीं WMO और विश्व बैंक ने इस स्तर पर आपदा से निपटने के लिए मौसम विभाग की खुलकर सराहना की। पहली बार IMD को भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा आपदा से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इसी प्रकार 2014 में विशाखापट्टनम पार करने वाले हुदहुद तूफान की सटीक भविष्यवाणी के द्वारा IMD ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता मजबूत कर दी। पाइलन और हुदहुद ही IMD की सटीक सूचना प्रणाली के उदाहरण नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में चक्रवात के पूर्वानुमान में प्रभावशाली ढंग से सुधार हुआ है। मौसम विभाग के आधुनिक चेतावनी तंत्र में पर्यवेक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, अंकीय मॉडल, पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रसारण शामिल है। पिछले कुछ सालों में चक्रवात निगरानी में बहुत महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, जैसे डेटा एग्जीक्यूशन। सभी जल, स्थल और आसमान से लिए गए डेटा को इस्तेमाल करके चक्रवात की स्थिति और रूपरेखा का सटीकता से निर्णय किया जाता है। इसमें न्यूमेरिकल मॉडल के पूर्वानुमानों में काफी सुधार हुआ है, और न केवल ग्लोबल मॉडलों बल्कि रीजनल मॉडलों में भी चक्रवात के पूर्वानुमानों की दक्षता में सुधार हुआ है। IMD की आधुनिक चेतावनी प्रणाली, जो कि फाइलिन चक्रवात की सफल गाथा है, इसको समझने से पहले हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन समझते हैं।
चक्रवात अधिकांशतः गर्म उष्णकटिबंधीय जल के बड़े भागों पर बनते हैं, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इनको उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, पैसिफिक में टाइफून और हिंद महासागर में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में बने हुए चक्रवात में वायु एंटी क्लॉकवाइज दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में बने हुए चक्रवात में वायु केंद्र के चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है और हवा की न्यूनतम गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत में मुख्य रूप से चक्रवात आने के दो मौसम हैं। पहला है अप्रैल से जून तक का मानसून आने से पूर्व का मौसम और दूसरा मानसून के आने के बाद का मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर तक। हर 5 चक्रवातों में से 4 बंगाल की खाड़ी में आते हैं और 1 अरब महासागर में आता है। हर 5 चक्रवातों में से 2 से 3 चक्रवात तीव्र होते हैं और 1 या 2 बहुत अधिक तीव्र होते हैं। न्यूनतम वायुमंडलीय चाप और अत्यधिक सतही बहाव वाली हवा के आधार पर हिंद महासागर में बहने वाले चक्रवातों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। चक्रवाती तूफान, भीषण चक्रवाती तूफान, अति भीषण चक्रवाती तूफान, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान और अंत में महाचक्रवाती तूफान। सबसे महत्वपूर्ण पहलू चक्रवात का निर्धारण करना है, जो सबसे कम दबाव वाले सतह के स्तर पर या हवा के एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन का केंद्र है। इसका कारण यह है कि एक चक्रवात के दौरान उसकी तीव्रता केंद्र पर दबाव के आधार पर या अधिकतम या न्यूनतम हवा की गति के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। एक पूर्ण विकसित चक्रवात का एक नेत्र होता है जो चक्रवात का केंद्र होता है। इस नेत्र के चारों ओर एक दीवार जैसा 10 से 100 किलोमीटर का बादलों का घेरा होता है, जिसे आई वॉल या वॉल क्लाउड क्षेत्र कहते हैं। ये चक्रवात का सबसे खतरनाक भाग होता है, जहां हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जैसे ही हम वॉल क्लाउड रीजन से दूर जाते हैं, बादल आई वॉल रीजन से कुंडली के रूप में दिखाई देता है। इस क्षेत्र को रैन बैंड रीजन भी कहते हैं। चक्रवात से बहुत से खतरे पैदा होते हैं, जैसे चक्रवात से पहले होने वाली भारी वर्षा, तेज हवाएं और अंत में तेज सामुद्रिक लहरें, जिससे समुद्री सतह असमान रूप से ऊपर उठ जाती है, जिसे स्टॉर्म सर्ज भी कहा जाता है। इमारतों का ढहना, पेड़ों का गिरना, मलबे का उड़ना, बिजली, बाढ़, हवाई जहाज की दुर्घटनाएं और चक्रवात के बाद दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां, इन चक्रवातों के कुछ विशेष दुष्प्रभाव हैं। चक्रवात न केवल तटीय क्षेत्रों के पास बड़ी तादाद में रहने वाले लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, बल्कि लोगों के रोजगार में होने वाली रुकावटों के लिए भी जिम्मेदार हैं। आमतौर पर लोगों के माल और सामान को भारी क्षति पहुंचती है और राज्य की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे हो जाती है। देश में चक्रवात से प्रभावित होने वाले 96 जिले हैं। चक्रवात का केंद्र और तीव्रता निर्धारित करने के लिए विभिन्न साधनों से पर्यवेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। किसी चक्रवात का केंद्र निम्न दाब का या जमीनी सतह पर घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही हवा का केंद्र होता है, क्योंकि चक्रवात की तीव्रता का निर्धारण न्यूनतम वायुमंडलीय चाप के आधार पर या चक्रवात के कारण अधिकतम नियमित हवा की रफ्तार के आधार पर होता है। चक्रवात के केंद्र के पास वायुमंडलीय चाप न्यूनतम होता है। अंतरिक्ष आधारित सर्वेक्षण चक्रवात के किसी भी पूर्व संकेत का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि चक्रवात समुद्र के ऊपर पैदा होते हैं, जिन्हें उपग्रह से आसानी से देखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए भारत मौसम विभाग 2 प्रकार के उपग्रहों का प्रयोग करता है, जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिटिंग उपग्रह। जियो स्टेशनरी उपग्रह प्रति 30 मिनट में तस्वीरें देता है, जिससे वैज्ञानिक प्रत्येक आधे घंटे में चक्रवात की स्थिति, तीव्रता और उसकी संरचना पर नजर रख सकते हैं। इस समय इस प्रकार के 3 उपग्रह काम कर रहे हैं,
कल्पना 1, इनसैट 3A और इनसैट 3B, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा नियोजित किया गया है। चक्रवात की तीव्रता उपग्रह से प्राप्त बादलों की छवि पैटर्न से निर्धारित की जाती है। तब चक्रवात गहरे समुद्र में होता है। इस तकनीक को वोराक तकनीक कहा जाता है। इस प्रणाली में चक्रवातों की तीव्रता को 1 से 8 तक ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी यानी टी नंबर के जरिए मापा जाता है। इसलिए टी 1.0 एक कम दबाव वाला क्षेत्र है, टी 1.5 अवदाब, 2.0 गहरा अवदाब, 2.5 चक्रवाती तूफान, 3.5 भीषण चक्रवाती तूफान, 4.0 अति भीषण चक्रवाती तूफान, 5.0 अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान और 6.5 महाचक्रवाती तूफान होता है। भारत मौसम विभाग अमरीकी नोआ और यूरोपीय पोलर ऑर्बिटिंग उपग्रह से भी आंकड़े इकट्ठे करता है। इनसे चक्रवातों को और बेहतर समझने में मदद मिलती है और ये समुद्रीय क्षेत्रों के ऊपर सतही हवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। ये एक अलग क्षेत्र में दिखता है। आप हर बार ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह से एक ही क्षेत्र में कवरेज नहीं कर सकते, जबकि भूस्थिर उपग्रह हमेशा एक ही क्षेत्र में दिखता है। इसलिए ये दोनों ही दुनिया भर के संयोजन में उपयोग किए जाते हैं। जब चक्रवात तट के नजदीक रेडार की रेंज में आता है तो रेडार के सर्वेक्षण से चक्रवात की तीव्रता, स्थान और उसकी उत्पत्ति के निर्धारण में मदद मिलती है। IMD कई वर्षों से एनालॉग रेडार तकनीक का इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन सन 2002 के बाद इसने डॉपलर रेडार लिया है। अभी इसके पास 24 डॉपलर मौसम रेडार हैं, जो चक्रवात की संरचना के प्रत्येक 10 मिनट पर चक्रवात का चित्र उपलब्ध करवाते हैं। ये चक्रवात की लंबवत संरचना उपलब्ध कराते हैं। ये चक्रवात की तीव्रता को मापने का एक और पैमाना है। नेत्र का व्यास भी चक्रवात की तीव्रता को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है, जिसे डॉपलर रेडार से आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए जब हम चक्रवात को डॉपलर रेडार से 2 से 300 किलोमीटर दूर से देख रहे होते हैं तो इसके चलने की गति और दिशा, इसकी तीव्रता, तूफानी आवेश और उसमें किस तरह की ध्वंसात्मक क्षमता है, इन सभी के तथ्य मिल जाते हैं। पहले केवल तेज गति और बादलों के बारे में ही पता चल पाता था, अब न केवल मात्रात्मक तीव्रता जिससे तेज बारिश होने का पता चलता है, बल्कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे फाइलिन चक्रवात में डॉपलर रेडार से अब तक वो सूचनाएं भी मिल जाती हैं जो पहले उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। जैसे ही चक्रवात तट के नजदीक पहुंचता है, वो तटीय पर्यवेक्षण केंद्र यानी स्वचालित मौसम केंद्रों और जहाजों की नजर में आ जाता है। भारत में ऐसे निरीक्षण केंद्रों और स्वचालित मौसम केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। जो भी आंकड़े विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मौसम दूरसंचार केंद्र में इकट्ठा होते हैं और तब विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को वितरित कर दिए जाते हैं। इस समय ये आंकड़े हर 10 मिनट पर मौसम वैज्ञानिकों को उपलब्ध होते हैं, जबकि 10 साल पहले ये 3 घंटे या इससे भी अधिक समय में उपलब्ध हो पाते थे। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कुल 6 ऑटो स्विचिंग सिस्टम्स हैं, जो कि 6 हवाई अड्डों पर स्थित हैं। मौसम संबंधी ये सभी आंकड़े बहुत अधिक और जटिल हैं, जो तेजी से सारी दुनिया से इकट्ठे किए जाते हैं। इन्हें एक उच्च शक्ति के कंप्यूटिंग सिस्टम की मदद से संसाधित किया जाता है। एक बार संसाधित होने पर ये पर्यवेक्षणीय आंकड़े सांख्यिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल में डाल दिए जाते हैं, जिससे पूर्वानुमान किया जा सके। ये परिणाम या पूर्वानुमान हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी में विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रयोग किया गया आंकड़ा, आंकड़ों की प्रकृति, मॉडलिंग का क्षेत्र, मॉडल में प्रयोग की गई भौतिकी और मॉडल का रेजोल्यूशन भी। जो भी पूर्वानुमान विभिन्न मॉडलों द्वारा दिए जाते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, जो सॉफ्टवेयर की मदद से दृश्यात्मक या ग्राफिक फॉर्मेट में बदल दिए जाते हैं, जिनसे पहली नजर में ही मौसम वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाता है। ये पूर्वानुमान प्रत्येक 6 घंटों में 5 दिनों तक उपलब्ध रहती है। प्रारंभिक स्थान और तीव्रता तय हो जाने के बाद
आधिकारिक तौर पर चक्रवात की दिशा और तीव्रता की भविष्यवाणी करने के लिए तैयारी की जाती है। प्रत्येक सांख्यिक मॉडल की भविष्यवाणी एक दूसरे से अलग हो सकती है। यहाँ वैज्ञानिक ज्ञान और दक्षता की मदद से अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। पूर्वानुमान क्षमता में इस वर्तमान विकास के कारण आईएमडी ने 2009 में चक्रवात की गति और दिशा की तीव्रता का पूर्वानुमान 72 घंटों की पूर्व अवधि के लिए शुरू किया और 2013 से पूर्व अवधि को 120 घंटों तक बढ़ा दिया। चक्रवात के कारण होने वाली तेज वर्षा का निरीक्षण उपग्रह रेडार AWS और ARG से होता है। समुद्रिक लहरों का निरीक्षण ज्वारीय गेज और तटीय प्लव की मदद से होता है। IMD द्वारा समुद्रिक लहरों की तीव्रता की भविष्यवाणी नोमोग्राम घोष मॉडल, IIT मॉडल और इनकॉइस हैदराबाद मॉडल के आधार पर सर्वसहमति से की जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मामले में एक मौसम वैज्ञानिक प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक मॉडल को देखता है। अगर मॉडल आज की प्रारंभिक परिस्थितियों की परख कर लेता है, तब ये मान लिया जाता है कि अमुक मॉडल कल के लिए या परसों के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। दूसरे नजरिए से एक वैज्ञानिक अपने पुराने अनुभव पर आधारित बेहतर मॉडल का चुनाव करता है। अगर आज की परिस्थितियों में अच्छा मॉडल अलग बैठता है तो उन परिस्थितियों को समन्वित किया जाता है और उसी के अनुसार भविष्यवाणी की जाती है। कोई एक मॉडल पर आधारित एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम को प्रयोग करके विभिन्न तटीय स्थानों पर चक्रवात स्थल पार करने की संभावनाओं का पूर्वानुमान किया जाता है। मॉडलों के परिणामों से आम राय बनाई जाती है। उदाहरण के लिए मल्टी मॉडल में चक्रवात के मार्गों के बारे में भविष्यवाणी करने की तकनीक होती है, या डायनामिक स्टैटिस्टिकल मॉडल में इसकी तीव्रता का अनुमान लगाने की तकनीक होती है। इसलिए जैसा मैंने बताया कि कोई भी मॉडल आदर्श नहीं है और कोई भी मॉडल सभी चक्रवातों के बारे में सटीकता से सही समय नहीं बता सकते, इसलिए हमें एंसेंबल की जरूरत होती है। यहाँ ये नोट करना भी जरूरी है कि अंतिम निर्णय वैज्ञानिक तकनीक और इंसानी महारत की मदद से लिया जाता है। मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने में किसी एक की क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता है। जब वैज्ञानिक अपना अंतिम निर्णय ले लेता है, तब चक्रवात संबंधित पूर्वानुमान